का डेरा बाबा नानक अधीन पेंदे पिंड शामपुरा के मौजूदा सरपंच वालों पिंड विच बोर करवा के गलियां नालियां दा गंदा पानी धरती हेठ पाउण नूं लै के पिंड वासी ते पंचायत आमो सामने हो गए। पत्रकारां नाल गलबात करदे हुए पिंड वासियां ने सरपंच दा दोष लगाउंदिआं कहा कि पिंड दे मौजूदा सरपंच वालों पिंड दीआं गलियां नालियां दा गंदा पानी बोर करवा के सीधा धरती हेठ भेजा जा रहा है, जिस नाल कैंसर वर्गीआं भयानक बीमारियां फैलण दा खतरा बणिआ है। उन्होंने दस्सिआ कि इस मसले संबंधी उच्च अधिकारियों नूं लिखती तौर ते शिकायत कर चुके हैं पर अजे तक प्रशासन वालों कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब पिंड के सरपंच मनूण सिंह नाल गल की तो उन्होंने कहा कि पिंड के कुछ लोगों वालों गलियां नाले के गंदे पानी छप्पड़ में पाउण तों रोकिया गया है तो सीवरेज बने होने के बावजूद भी पानी अगे बन्न मार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि फसलां वढ़ियां जा चुकिया हैं तो इस मसले को BDPO डेरा बाबा नानक के ध्यान में लिया गया है। इस बोर को बंद करके जल्द ही इस पानी का निकास सीवरेज राही छप्पड़ कर दिया जाएगा। न्यूज़ डेस्क तो आशिक राजमाला की विशेष रिपोर्ट। रौला जी साढ़े पिंड के पानी का जोड़ा निकास है छप्पड़ की खिलाई हुई है, मेरे नाल तुम जाके देख सकते जी। साढ़े पिंड के कुछ शरारती अंसर जे कहते कुछ छप्पड़ के पानी 30-35 घर का नहीं पैन देना कि असं वो नहीं पैन देना। इन्होंने पंचायत उत्ते केस भी किया स्टे लैन वास्ते जी, कुछ सानू समझेगा जी। अभी भी उत्तर वकील खड़ा किया पार्टी खड़ी की जी तो अदालत ये कही जाते कि केस जरा संतोख सिंह हरदीप सिंह अमरजत सिंह लंबनदार मतलब तिना चौं बंदिया ने जी इन्होंने अगे लग के पंचायत का जो छप्पड़ा वो कहते हैं कि पानी का निकास अस नहीं जाते। साडा जरा ये पानी से इकट्ठा हो के इन घर गंदगी फैलती बहुत कुछ होता है, इस करके अभी मतलब 25-30 फुट सारा बोर जरा करवाया 25-30 फुट बोर करवाया कि चलो साडा कणक वढ़न तक जो टाइम पास हो जाए। गलियां दे विच पानी खलो के लोगों को बीमारी फैलन का जरा ज़्यादा डर से। इस तो बाद मैं इन्हों इन गल की जिस तरह कणक वढ़ी गई है, कणक वढ़ी गई है, कणक वढ़न तो बाद मैं क्या कि यहाँ कोई ना कोई असं हल करा मते पाए हुए ने BDO साहब ना भी गल हुई है यदा असं एक दो दिन जो काम शुरू करवा देना कि जो मसला जी हल। तुहानू इस गल की नॉलेज हैगी है कि जिहड़ा बोर कराया वा कल नूं इह नुकसान दे सकदा साडे पिंड वालियां नूं? हो सकता है जी नुकसान, पर जिहड़ा असीं मान लो कल नूं मरना मतलब 8-10 पिंड, बाकी भी बोर आम ही जिमीदारां ने भी करवाए थले पानी घलाउंदे ने जी डूंघियां पैलियां वाले इसे बोर के उत्ते जा गया जी सारा कम। मैं यह गल तो मैनूं हैगा कि मतलब इहदा नुकसान आ, पर जिहड़ा नुकसान गलिया दे विच पानी खलो के पिंड दे गुरद्वारा साहब दे विच पानी जांदा सी जिहड़ा गलिया च खलो के जिहड़ी अज बीमारी फैलण दा कम सी उसनों टालिया सी आरजी तौर दे उत्ते। होर कोई नहीं जे किसे नूं इतराज आ ते उहनां दा इल्जाम आ कि तुहाडी पैली विच आउंदी सी उहनूं बचाउण दी खातर तुसीं इह बोर कराया? कोई पैली विच नहीं जी आउंदी जी, साडी जिहड़ी जमीन आ साडी जिहड़ी जमीन आ आओ तुहानूं मौका दिखाउने आ उहदे नाल नाल नाला चलण रिहा जी सारा नाला छड्डिया जी जिहड़ी जमीन आ ठीक है ना, कोई जमीन बचाने वाला काम नहीं कोई ए कोई हल नहीं है। हाँ जी की मसला? मसला है जी पिंड के पानी का निकास कोई नहीं है, जिहड़ा कि सरपंच निकास करना चाहिए साडे जिथे मर्जी करे पिंड का निकास है सरपंच ही करा सकते हैं पंचायत पिंड ना कि पिंड के लोग को रोका रकाई साढ़े पिंड चलती है वो सरपंच जाने जा उन्हों का जन जिन्हें स्टे आता वा। बाकी सानू तो तकलीफ ये है कि जो पिंड का पानी जो गंदा नालियां का लैटरन का पानी जो इन्हें बोर करके बिल सुट दिता जो कि सानू कैंसर का खतरा हर प्लेग हर बीमारी फैलने का खतरा 70 फुट जो बोर करता वो पिंड का सारा जो मन खराब करता। तो अभी यह चाहते हैं कि यह बोर तुरंत बंद कराया जाए तो लोगों ने जो पिंड राह दी है कार्रवाई की है। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਸਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਪੜ ਸੀ ਨਾ 12 ਕਨਾਲਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਲਿਆ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੈ अपनी पाली बचाने की खातर इन्हें बोर करके उसके पानी पाँव डे लोगों को बड़िया छोड़िया गल करते हैं
वो जो पानी आज नुकसान है मंड का पानी खराब हो जाना अही प्रशासन नु चिट्ठिया लिख के सूचित किया पर कारवाई कोई नहीं हुई डीसी साहब नु एसडीएम साहब नु किया इन्हों ने जो कोई बोले तो हूं भी तुम वेख्या आप शब्द बोलते ने बाकी बंद इन्हों का ही सारा टूटिया छप्पड़ भी इन्होंने वाले निकास भी बेनती है कि जल्द तो जल्द नहर वालों निकास पानी जरा उसने कटिया।